हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो हमारी काफ़ी टाइम बाद आने वाली है, तो उम्मीद करता हूँ आप सब इस वीडियो को पूरा देखेंगे। एक अभी रिसेंटली एक एयर प्योरीफायर को परचेज़ किया है, होपफुली आपको नज़र आ रहा होगा। क्यूबो ब्रांड का है ये। क्यूबो ब्रांड एक हीरो कंपनी जो है उसका ही पार्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स में डील करती है। इसको मैंने परचेज़ किया है एंड ये स्मार्ट एयर प्योरीफायर है। एंड इसके आगे की जो डिटेल्स है मैं आपको इसको ओपन करने के बाद में दिखाऊंगा एंड साथ साथ बताता रहूंगा। सो गाइस, यहाँ पे इसकी एक सील है, इसको ओपन करते हैं हम। इसके बाद देखते हैं इसके अंदर में क्या है। एंड ये मैंने ऑर्डर किया था नवंबर के एंड में, 27-28 नवंबर को, एंड मुझको ये आज डिलीवर हुआ है जो कि है 11th ऑफ दिसंबर। तो इसके अंदर में सबसे पहले कि ये ट्रे निकली है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, ये क्विक स्टार्ट गाइड मिली है, एंड इसके अंदर में हमारी मेन यूनिट फैन। तो ये हमारी मेन यूनिट है जो कि एयर प्योरीफायर है, Q200 क्यूबो का। ये सबसे लोएस्ट प्राइस वाला मॉडल है जो कि मैंने परचेज़ किया है। ये अप्रॉक्सीमेटली 5000 दिखाया था जब मैंने ऑर्डर किया था, लेकिन अब इसके प्राइस बढ़ चुके हैं। इसका प्राइस 5700 के अराउंड चल रहा है अमेज़ॉन पर एंड इनकी ओरिजिनल वेबसाइट पर भी, जो कि क्यूबो की वेबसाइट है। तो इसके ऊपर में देखिए आप किस तरीके से फैन की ग्रिल्स दे रखी हैं, एक फिन टाइप्स इसका डिज़ाइन है। एंड यहाँ पे इसकी एलईडी भी ग्लो करती है। एंड इसको यूज़ करने से पहले यहाँ पे लिखा है, प्लीज़ रिमूव दी पॉली बैग प्लेस्ड ओवर द फिल्टर बिफोर यूजिंग दी डिवाइस। तो इसको हम उल्टा करने वाले हैं। उल्टा करने का दिए ओपन करने का साइन दे रखा है, इधर मैं इसको लेफ्ट की तरफ घुमाऊँगा जो कि हमारी एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये ओपन हो जाएगा। इसको हम मैंने हटाया एंड यहाँ देखिए इसका एयर फिल्टर है, इसके ऊपर पॉली बैग आई है। एंड इसको अभी के लिए मैं यहाँ रख देता हूँ, इसकी पॉली बैग को हम हटाते हैं। इसका साइज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसका साइज़ है 145, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 5.5 से 6.5 इंची के आसपास बैठता है। ये फ़िल्टर का साइज़ है हाइट में एंड ये राउंड शेप का फिल्टर है। तो चलिए इसको वापस लगाते हैं हम। इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको इस तरीके से प्लेस करना है। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये 4 लेयर पे वर्क करता है। ये प्री फिल्टर है बाहर में, फिर इसके अंदर में आपका कार्बन फिल्टर है जो कि स्मोक या किसी तरीके की स्मेल को उसको दूर करता है। एंड इसके अंदर एक नैनो टेक्नोलॉजी वाला फिल्टर है। एंड फिर लास्ट में इसके हैपा फिल्टर जो आपको यहाँ अंदर से दिख रहा होगा वाइट वाइट। तो चलिए इसको प्लेस करते हैं अभी हम। एंड प्लेस करने से पहले दिखा दूँ, इसके अंदर और कुछ नहीं है, इसके अंदर में सिर्फ यहाँ पर ब्लोअर यूनिट है। एंड ब्लोअर यूनिट के अलावा यहाँ पर इसका सेंसर है, ये इधर ये सेंसर की लोकेशन दे रखी है जो कि यहाँ दे रखा है इसका सेंसर, जो कि इसके AQI को मॉनिटर करता है एंड आपको ऐप के थ्रू दिखाता है फिर कि क्या आपके रूम में या फिर जहाँ भी आपने इसको प्लेस किया है उधर का रियल टाइम AQI है क्या। तो इसको हम वापस प्लेस करते हैं एंड इसको क्लोज करने के लिए हमें इस बार क्लॉकवाइज इसको टर्न करना होगा। ये हमारा लग गया है। इसकी वायर की लेंथ आप देखेंगे अराउंड 1 अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है वायर की। एंड जो इस एयर प्योरीफायर है इसकी मैं आपको हाइट भी बता देता हूँ, इस एयर प्योरीफायर की हाइट 12.5 इंची है, 12.5 इंच अप्रॉक्सीमेटली 310 के आसपास इसकी। तो चलिए इसको मैं चालू करता हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको चालू कर दिया है, ये देखिए चालू करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर में ग्रीन LED लाइट आ रही है। पास से दिखाता हूँ आपको, दिख रही है आपको। एंड यहाँ पे इसके स्मार्ट टच कंट्रोल्स आपको गिवन है, जिसके अंदर मैं आपको फ़ैन की स्पीड, ऑटोमेटिक ऑन एंड ऑफ, टाइमिंग, स्लीप मोड और AQI मोड, सारे मोड्स गिवन है। तो आप इसको यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं एंड इसके साथ में आप इसको ऐप से भी। तो चलिए इसके साथ में हम, ये देखिए ये अब रेड ग्लो कर रही है क्योंकि यहाँ का AQI हमारा बड़ा हुआ है एंड फ़ैन की स्पीड भी ऑटोमेटिकली हाई हो गई है। चलिए इसको मैं ऐप से कनेक्ट करता हूँ। ये इसका लास्ट टाइम का AQI है, अब इस टाइम रूम में 192 AQI चल रहा है हमारा रियल टाइम। एंड यहाँ से इसके मोड ऑटोमेटिक पे चल रहा है इस टाइम पे, आप इसको मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल में स्पीड कम, लो, फैन की मीडियम एंड हाई। इसके अलावा इसको आप AQI मोड में भी यूज़ कर सकते हैं ऐप से, ऑटोमेटिक मोड पे ही कर देता हूँ अब देखिए। एंड देखते हैं अभी टाइम, देखिए आप फ़ोन के अंदर में आपको टाइम दिखाई दे रहा होगा 10:49,
देखते हैं ये 174 से 100 से नीचे कितनी देर के अंदर में लेकर के इसको आता है ऑटोमेटिक मोड में। तो चलिए इसको चले रहने देते हैं एंड देखते हैं हम। इस वाले मॉडल का 1500 के अराउंड है, इससे जो ऊपर मॉडल है उसका 1800-1900 के अराउंड है, एंड जो से ऊपर है वो उसमें भी 100-200 रुपये और ऊपर है। तो बेटर यही है कि मैंने इसको ऑर्डर किया क्योंकि इसका जो प्राइस है वो कम है, एंड जो इसके फ़िल्टर का प्राइस है वो भी कम है साथ में, एंड जो इसकी जो फ़िल्टर की लाइफ उन्होंने 9000 आवर्स शो की है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर में कि 9000 आवर्स तक ये वर्क करेगा, एंड बाकी डिपेंड करता है किस कंडीशन में चल रहा है, कहाँ कितना पॉल्यूशन है उसके ऊपर भी। एंड इसका एक लॉन्ग टर्म वीडियो भी बनाऊंगा मैं जिसके अंदर में ऐप को किस तरीके से लॉगिन करना है हमें, एंड ये कितनी देर में क्या वर्क करता है, और उसके फ़िल्टर को हम बाहर से किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं, जो इसका फ़िल्टर है उसके डस्ट को हम किस तरीके से क्लीन कर सकते हैं ताकि इफेक्टिवली वर्क करता रहे। तो वीडियो को मैं कट कर देता हूँ अभी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बाकी हम इसको देखते हैं कि कितना वर्क करता है। ये 98 आ चुका है, 100 से नीचे आ चुका है, एंड यहाँ सेटिस्फैक्ट्री लिखा हुआ आ रहा है, एंड ये अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स के अंदर में आ चुका है। हमने 1049 पे किया था और ये 1149 के अंदर आ चुका है 100 से नीचे। तो चलिए इसका और वेट करते हैं, देखते हैं ये ग्रीन कब होता है। अभी जो इसकी लाइट है वो अभी भी येलो ही है, ग्रीन कितनी रीडिंग्स पर होता है वो देखते हैं हम। 75 आ चुका है, 75 के बाद जो ये लाइट थी येलो से ग्रीन हो चुकी है, डैट मीन्स कि रेड अगर 150 से ऊपर है तो इसकी जो लाइट ग्लो करेगी, अगर आप ऐप यूज़ नहीं भी कर रहे हैं रेड अगर है तो वो 150 से ऊपर है इसका AQI, एंड येलो हो जाती है मीन्स 75 से लेकर के 150 के अंदर में इसका AQI है, एंड लास्ट में ग्रीन हो जाती है मीन्स 75 से नीचे है वो। तो ये सेटिस्फैक्ट्री पे इस टाइम पे चल रहा है, एंड अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट के आसपास हो चुके हैं, आपको दिखाता हूँ पास आ करके। ये देखिए 15 मिनट के आसपास हो चुके हैं, ये 70 तक लेके आ चुका है, 170 से ऊपर था हमारा AQI रूम का। एंड आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, इधर देखिए आपको ऐप में दिखाता हूँ मैं अभी, ये इसका ऐप है, तो मैं यहाँ से इसको क्लिक करता हूँ एयर प्योरीफायर को, तो नीचे जाने के बाद में फ़िल्टर पे मैंने क्लिक किया, ये आपने देखा होगा फ़िल्टर लाइफ पे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ आता है गेट अ न्यू फ़िल्टर डिलीवर्ड बाय का ऑप्शन भी है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल उस पर रिडायरेक्ट हमको कर दे रहा है। तो ये देखिए ये इस मॉडल का एयर फिल्टर है जिसका प्राइस 1490 है, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है कमिंग सून। ये इससे जो दूसरा मॉडल है Q400 उसका प्राइस देखिए आप फ़िल्टर का 1990 यानी कि 2000 रुपये के आसपास, एंड जो सबसे इसका हायर मॉडल है Q500 उसका फ़िल्टर का प्राइस है 2490, ये भी अभी कमिंग सून है, ये भी नहीं आया। एंड आपको इसके तीनों एयर प्योरीफायर के अभी जो रिसेंट प्राइस है वो दिखा देता हूँ, जो हायर वेरियंट है उसका प्राइस देखिए आप 8990, जो उससे लोअर है उसका है 6990, एंड जो ये वाला मॉडल है इसका करंट प्राइस चल रहा है 5790। तो फाइनली ये 50 अचीव कर चुका है, एंड एक बात और मैं शेयर करना चाहूँगा कि ये 52 तक आ चुका था अभी 5 मिनट पहले, बट रूम का डोर ओपन करके मैं बाहर गया था एंड वापस आया था, तो ये वापस 52 से 70 तक जा चुका था, एंड ये फिर से नीचे आने में इसको कम से कम 4 से 5 मिनट लगे हैं 70 से 50 तक। अब ये 50 से नीचे आ चुका है 49, एंड यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री से चेंज होकर के गुड पर भी आ गया है। तो बेसिकली इसने आधा घंटा के आसपास 49 से इधर इतना इसने 170-180 से 50 तक आने में है एक वाई को रूम के अंदर में, जो कि मेरा 150 स्क्वायर फीट का रूम है उसके अंदर आने में इसने 30 मिनट्स लिए हैं। सो फ्रेंड्स मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा जिस प्राइस में ये आया है, एंड जो इसकी परफॉर्मेंस है, एंड स्पेशली जो इसका डिज़ाइन एंड लुक है वो, एंड जिसका जो ऐप से कनेक्टेड फीचर है वो भी काफ़ी बेटर लगा मुझे। मैं जल्दी इसकी वीडियो बनाऊंगा 10 से 15 दिन बाद दोबारा से, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसका 10 से 15 दिन के अंदर में किस तरीके से यूज़र एक्सपीरियंस रहा है मेरा। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया, एंड सेम प्यूरीफायर के लिए मैं आपको अपनी वीडियो के साथ में लिंक भी शेयर कर दूँगा जहाँ से आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं ईज़िली। बाकी आप इसकी वेबसाइट से भी, क्यूबो की वेबसाइट से भी, एंड अमेज़ोन से एंड फ्लिपकार्ट किसी भी जगह से खुद से भी प्लेस कर सकते हैं। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, एंड एक बार फिर से आपको चलते हुए पास से दिखाता हूँ।
तो विंटर्स में काफ़ी नीडफुल प्रोडक्ट है ये। एंड उम्मीद करता हूँ आप सब भी इसके साथ में जाएंगे। तो देखिए अब ये बंद हो गया अपने आप, क्योंकि मैंने इसको QI मोड पर सेट किया हुआ है। तो चलिए इसको मैं रखता हूँ, एंड साथ ही में मैं एक इसके अलावा खुद से एयर प्यूरीफायर बनाऊंगा घर पे 1000 के प्राइस के अंदर ही, जिससे इसके साथ में मैं चेक करूंगा इसकी रीडिंग के साथ में कि वो वर्क करता है नहीं करता, उसकी वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली किसी वीडियो में।